YouTube चैनल पे ऐसे वीडियो में ले सकते हो। उठी के सरिया सुबह हो गई है, सुबह के 7:30 को। अभी यहाँ से हम जितना हो सके जयपुर कवर करने वाले। कल रात को शाम को भी जितना हो सके कवर किया हम लोकल फूड। उसके बाद अभी यहाँ से लोकल जितना हो सके उतना कवर करने की कोशिश करूँगा। सॉरी अभी मुस्ताज में हूँ, इसके वजह से ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल पा रहा। कुछ कुछ लोग सोए तो फ्रेश हो गए हम भी, यहाँ से बस निकलना। तो आपको दिखाते हैं मुस्ताज भी कैसा दिखता है सुबह। ऐसा कुछ हमारा शेयरिंग बेड है और यहाँ पे मैं विष्णु रहता हूँ। तो देख सकते हो कितना स्पीशियस है। एक्चुअली वो 6 लोग के लिए नहीं है, एक्चुअली ये 10 या 12 लोग के लिए, मतलब बड़ा ही है। और यहाँ पे आप लोग अपनी ग्रुप में आ रहे हो तो यहाँ पे बैठ के आप चिल भी कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट शांति है यहाँ पे, ज़्यादा कोई लोग नहीं है फिलहाल। घर रहते तो यहाँ पे चिल करते हैं। हम लोग 5 लोग नहीं है यहाँ पर, हम लोग 2 ही लोग हैं। जो 3 लोग थे वो फिर से शिखर में चले गए, तो उनसे कल मिलवाते हैं, कल फिर से शिखर जाने वाले। तो बस यही था आज का सफ़र। तो ये हर एक रूम को ऐसे लॉक कर दिया गया। जैसे ये हमारा बेड है, तो हमारा है 3 और 4, तो ये ऐसे लॉकर है। और ऊपर और ये मुस्ताज का कर्टन भी है, तो बहुत ही सही है। और इसके अंदर भी अपने कुछ पर्सनल स्पेस रख सकते हो। वहाँ पे एक पर्सनल फ़ैन भी है, वहाँ पर लाइट भी, अपने चार्जिंग पोर्ट भी है, फैन बहुत ही, और लाइट भी बहुत सही मारे। एक बार चला दो भाई, वाह। तो आप अपना खुद का काम भी कर सकते हो बेड के अंदर, कुछ करना चाहिए, दूसरे को डिस्टर्ब भी नहीं होगा। सो दैट्स इट, ये मेरा बेड है, तो मैं ऊपर ही जाता हूँ अभी। तो कम पैसे में ज़्यादा मजे चाहिए तो आ जाओ।
पहले हम ट्राई करने वाले गुलाब जी की चाय, जो बहुत फेमस है, जो हमने ट्राई नहीं की कल, तो वहाँ पे पहले जाते हैं। और उसकी हिस्ट्री ऐसी भी है कि ये 200 लोगों को वो फ्री में खाना खिलाते थे, और उनकी अभी लॉकडाउन में डेथ हुई है जो गुलाब जी थे, और 1947 से वो शॉप है ऐसा सुना है, और जयपुर की सबसे पुरानी में से एक वो चाय की दुकान है। चलो जानते हैं, पीते हैं और मज़े उठाते हैं आज इस दिन के। चलो तो फिर गाइस, बाय बाय टू मुस्ताज। सुबह कुछ इतना ब्यूटीफुल लगता है कैफे, कैफे एरिया। सो ये वाली चीज़ मुझे बहुत पसंद आई रात में, और ऊपर भी एक एरिया है जैसे स्मॉल गार्डन एरिया, कैफे एरिया। गाइस ये जो मुस्ताज है वो मुझे वन ऑफ द बेस्ट लगा यहाँ पर, और ये बहुत ही चीप और बहुत ही अच्छा। तो मैं मुझसे फिर से एक बार कह रहा हूँ, जयपुर में आओगे तो मुस्ताज में आओ, मुझे खुद को पर्सनली बहुत अच्छा लगा। तो अपना ब्लॉग तो वैसे सच्चा है, अपन फेक कुछ दिखाने दे तो जो है वो है। तो जैसे कि ये जो सच्चा ब्लॉग है, सच्चे ब्लॉग को सपोर्ट करना, सब्सक्राइब नहीं किया अब तक आप लोगों ने। तो ऐसे कुछ ये बिल्डिंग है मुस्ताज की, बीच सिटी में ही है, यहाँ से बस स्टॉप, बस स्टैंड भी अच्छे पास में ही है, और सब चीज़ों का है मतलब यहाँ पे आसपास सब चीज़ें अवेलेबल है, मार्केट वगैरह। तो ये एक बेस्ट चॉइस है आपको अगर आप आ रहे हो, और आसपास बहुत खाने की अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि हमने कल ट्राई किया वो इसके पास में ही है। सो ये आप अगर ट्रैवल कर रहे हो बस से या ट्रेन से तो भी अच्छा है, आपको ले बाइक किसी से भी ट्रैवल कर रहे हो तो ये एक सेंटर पॉइंट में ही है तो आपको अच्छा हो जाएगा। तो अभी हम लोग निकलते हैं, अभी हम लोग दोनों ही हैं, बाकी तीन लोग हैं सिकर में, हम लोग दोनों यहाँ पे घूम के आज उनके पास जाएंगे और फिर से शुरू होने वाला अपना वापसी का सफ़र। कुछ और इच्छा नहीं है भाई, मैं जब बात छोड़ दूँ। अच्छा है ना, बट यहाँ पे रश बहुत है, सुबह के बज चुके हैं 7:30 है, तभी भी यहाँ पे इतने लोग चाय पीने आए। शंकर भाई का समोसा। तो भैया जी आप खाएंगे शंकर जी का समोसा, जैसे कि आपको बताया था कि शंकर जी का समोसा यहाँ पे बहुत फेमस है, तो समोसा खाएंगे। और हम कि मेरी टोन थोड़ी चेंज हो गई है दोस्तों, तो खाएंगे समोसा। गाइस आज जोश अलग है, आज मज़ा है, आज धमाल है, और आज शोर नहीं है, शराबा नहीं है, और चलो फिर समोसा खाते हैं। हमेशा समोसा खाते हो यहाँ पे? हाँ फेमस है ना बहुत। तो विष्णु जी अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या होने वाला है अपना फूड सफारी में? फूड सफारी में तो ऑलमोस्ट सब ट्राई कर लिया। तो वैसा ही है जी, जैसे आप बम्बई में खाते हो बस फेमस है तो हम ट्राई कर लिए। तो गाइज वी आर इन अल्बर्ट म्यूजियम, जिसे सेंट्रल म्यूजियम भी कहा जाता है, जो बी सिटी में है सर्कल में, और ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हो या सो दैट्स द सेंट्रल म्यूजियम। तो उसके अंदर अब तक तो खुला नहीं है शायद से, तो हम वहाँ पे अंदर से एक्सप्लोर नहीं करेंगे क्योंकि अपने पास वक्त भी नहीं है अंदर से। अंदर से नॉर्मल म्यूजियम में आप बेसिक टिकट लेके अंदर जा सकते हो। तो ये बाहर का सीन है, यहाँ पे बहुत सारे लोग शूट करने आते हैं, और जैसे कि मेरे पीछे भी देख रहे हो आप, वहाँ पे प्री वेडिंग चालू है, यहाँ पे भी प्री वेडिंग चालू है। तो दिस इज़ द रॉयल लोकेशन इन जयपुर, जहाँ पे लोग ज़्यादा फोटोजेनिक फ़ोटो लेने के लिए आते हैं। और मैं और विष्णु आज थोड़ा एक्सप्लोर करने आया है, तो थोड़ा ऐसा आउटफिट पहन गया है, और हम लोग थोड़ा ट्विनिंग भी कर रहे हैं ऐसा लग रहा होगा आपको, कलर भी हम लोग का सेम है।
सो दैट्स इट, अभी इसके थोड़े सिनेमैटिक व्यू दिखा दे आपको। नाहरगढ़ और जयगढ़, तो वो ऊपर से काफ़ी सुंदर दिखता है ऐसे पता चला है, तो वो देखते हैं। बाकी हमने बाहर से ही देखा है वो जो कुछ फोर्ट थे आमेर फोर्ट, क्योंकि अंदर से कल बहुत भीड़ थी और अभी सुबह हमारा टाइम मैनेजमेंट के इशू से जितना हो सके उतना कवर कर रहे हैं। मनोज कुमार, तो मनोज कुमार सर ने हमारी चेकिंग की, मतलब ये ऑकवर्ड हो रहा है कि सर के साथ बात कर रहे हैं, बट सर आप यहाँ के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? यहाँ पर पर्यटक आते हैं दूर दूर से, यहाँ पे ऊपर नाहरगढ़ और जयगढ़ दुर्ग है, जयगढ़ दुर्ग के अंदर तोप रखे हैं सबसे पुराने, सबसे बड़ी है, अच्छा सबसे पुराने तोप रखे हुए हैं, चढ़ाई है बहुत खतरनाक पहाड़े हैं यहाँ पे गुजरे हैं, तब आपको चढ़ाई के बारे में पता चल जाए कितने मोड़ खतरनाक हैं, इसलिए यहाँ पे हर मोटरसाइकिल वाले लाइसेंस चेक करते हैं, उनको हेलमेट पहना के फिर भेजते हैं यहाँ से, बिना हेलमेट को वापस भेज देते हैं, चालान बनाते हैं उनका और वापस करते हैं, यहाँ ऊपर नहीं जाने देते, क्योंकि यहाँ पे रोज़ एक तो एक दो गाड़ी की घुमाओ है तो एक्सीडेंट हो ही जाती है, तो ये सही है, बहुत सही इनिशिएटिव है, चेकिंग करके भेजते हैं यहाँ पे कि किसी को कोई नुकसान जनहानि ना हो जाए, किसी के साथ पर्यटक के साथ कोई नुकसान ना हो जाए, तो सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइट है यहाँ पे, तो अगर आप आ रहे हो तो ये सब ज़रूरी है, लाइसेंस आरसी बुक और हेलमेट ये सब चीज़ें आपको रखना कंपलसरी है, उसके सिवा आप अंदर नहीं जा सकते। तो चलो अच्छा लगा सर से बात करके, अभी अंदर से आप देखते कि कहाँ कैसा फोर्ट है, क्या है और कितना ब्यूटीफुल ये जगह है, तो चलो शुरू करते हैं। जी दो टिकट करो, अंदर लगा देना सर, अंदर लगा दे, यहाँ पे लगा देना, ऊपर तक नहीं जाती है क्या? ऊपर नहीं जाती, तो 220 रुपया टिकट है यहाँ का फोर्ट के अंदर घूमने के लिए। जयगढ़ के बारे में जानकारी दे दो। 1720 में इसको कंप्लीट किया जयसिंह सेकंड ने, 1036 में काकिल देव महाराजा ने शुरू किया था। अच्छा। 1036 में या काकिल देव नाम के महाराजा हुए थे, हाँ उन्होंने इस फोर्ट को बनाने के लिए शुरू किया और नाम रखा इसका चील किला। अच्छा, चीलें बहुत अधिक। जयसिंह सेकंड ने 1720 में कंप्लीट होने के बाद में फिर इसको जयगढ़ नाम दिया। मानसिंह अकबर के कमांडर रहे हैं महाराजा मानसिंह, कहीं भी वार होता था तो मानसिंह वार के लिए जाते थे, काबुल की तरफ 5 पठानों को डिफीट किया और 5 जगह पे जीत हासिल किया, सिंह का टाइटल्स मानसिंह को मिला, तब इसे सिंह लगाने लगे।
अच्छा। उससे पहले किसी भी राजा के सिंह नहीं था, जैसे सोरदेव, दूल्हे राय, काकिल देव, भगवान दास, भारमल, सूजामल, और महाराजा मान सिंह का नाम था राजा मान। ₹100 की टिकट है यहाँ पे। फोर्ट देखेंगे अभी, कौन सा फोर्ट है भाई? नारगढ़ फोर्ट। माधो सिंह ने बनाया कंप्लीट करके, और इसका पहले नाम सुदर्शनगढ़ था। सुदर्शनगढ़ से से इसको फिर नारगढ़ भूमिया के नाम से नारगढ़ नाम रख दिया गया है। देख बदला होता है, पता नहीं पड़ता अगला को गन ली ले जाती है। और काफी चीजें अंदर गाइड बता देंगे आपको, उनसे कर लेना चलेगा। शुक्रिया। आपका नाम भाई? प्रकाश सिंह चौहान है जी। प्रकाश सिंह ने हमें अच्छी सी जानकारी दे दी है, तो अभी देखते हैं फोटो। और इस गेट को पार्किंग गेट बोलते हैं, टिकट कटती है पार्किंग की। और वैसे मजाक में इसको शेरखोड़ दरवाजा भी बोलते हैं। देखा, धीरे धीरे सिंह निकलने शुरू हो गए। ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। इधर अलग टिकट है क्या? चल के अंदर भी चल 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 डाल डाल डाल। तो गाइस, जैसे कि देखा आपने, हमने जय सिंह फोर्ट और दो फोर्ट देखे। वो फोर्ट हमने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया क्योंकि इतना टाइम नहीं अपने पास, और हमें जल्दी जल्दी जाना है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर आप हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो, आप गाइड ले सकते हो। अगर नहीं जाना चाहते हो तो आप बेसिक व्यू ले सकते हो। तो चिल है वहाँ पे। 50 rupees टिकट है और 10 rupees पार्किंग है वहाँ पे। जैसे आपको बताया 200 rupees दोनों का मिलके है और 10 rupees पार्किंग है। यहाँ से टॉप व्यू बहुत अच्छा आता है, मतलब पूरी जयपुर सिटी दिखती है, नीचे जल महल दिखता है। तो बेसिकली एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो आप यहाँ पे। एक 3-4 घंटा आपका अच्छे से निकल जाएगा जयपुर में आप आ रहे हो तो। ब्रेक लिया यहाँ पे, पानी पीने के लिए रुके। तो दैट्स इट। अभी यहाँ से मार्केट जाना है, मार्केट घूमना है, और मार्केट में क्या कुछ शॉपिंग कर सकते हैं वो दिखाना है आपको। और कुछ हो सके तो थोड़ा कुछ खा लेंगे वहाँ पे भी, दिखाएंगे वो क्या है। और बाकी मज़ा आ रहा है, मतलब जयपुर मुझे ज़्यादा इतना पसंद नहीं आया जितना मुझे जैसलमेर आया। मतलब जैसलमेर में हमने 3 दिन बिताए और वो 3 दिन इतने सुकून थे, इतने आराम से, मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया मुझे जैसलमेर में। और मैं और फिर से जाने की कोशिश करूँगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसलमेर में फिर से एक बार आना चाहिए। जैसलमेर में ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, 1-2 किलोमीटर के अंदर वो फोर्ट है, उसके आसपास छोटी छोटी चीज़ें देखने के लायक, और फोर्ट के अंदर लोग रहते हैं तो वो एक यूनिक चीज़ है। और वहाँ पे लोग बहुत स्वीट है, मतलब ये सिटी हो गई है, बड़ी हो गई है जयपुर, तो यहाँ पे ज़्यादा लोग आ गए। उठी केसरिया गाइज, जयपुर घूम के हो गया हमारा। जयपुर से हम निकले, ज़्यादा रोड का कुछ दिखा नहीं पाया क्योंकि रोड का देख देख के आए ना आप लोग पक गए। रोड वही है, सेम ही है। तो जयपुर में जितना हो सके उतना एक्सप्लोर किया, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट एक चीज़ मुझे पसंद नहीं है, जयपुर में हॉर्न बहुत बजाते लोग, और लिटरली मतलब लिटरली इतना हॉर्न तो सब लोग बजाते, सर इंडिया में तो बैन कर ही देना चाहिए, बट जयपुर में लेवल पार हो गया, इतना हॉर्न बजाते। हम इतना इरिटेट हो गए थे बाइक चलाते हुए।
तो ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है। और जयपुर मुझे ठीक लगा, मतलब अच्छा है, कुछ कुछ चीज़ें बहुत अच्छी, बट ट्रैफिक वही है, जो चीज़ें हैं वो अपने यहाँ पे भी मिलती है। बस ये कुछ शॉपिंग वॉपिंग की है, कुर्ते वर्ते लिए, ये तो मैंने जैसलमेर से लिया था, बाकी कुछ घर के लिए लिया है, तो बेसिक चीज़ें हैं, बाकी सेम ही है। तो बस जयपुर का सफ़र और शायद से ये लास्ट है हमारा यहाँ पे राजस्थान में। कल हमारी वापसी सफ़र शुरू होने वाला है, तो वापसी सफ़र में वही रोड दिखेगा, वही मस्ती दिखेगी, तो देखते हैं अभी क्या होता है। वैसे आप देख रहे हो व्लॉग, मज़ा आ रहा है आपको? अब तक मज़ा आया कि नहीं कमेंट सेक्शन में बता रहे हो कि नहीं आप अब तक? तो गाइस ऐसे ही चलता रहेगा ये सफ़र, अगर ये सिलसिला आपको पसंद आ रहा है तो ऐसे और कंटेंट बनाने की मैं कोशिश करने वाला हूँ।